वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जगहों में महिला ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली है। आपको बता दें, दो दिन के बाद महिला दिवस है, लेकिन होली त्योहार की वजह से डीजीपी सुधीर सक्सेना ने उन्हें आज ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का आदेश दिया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस स्वाति राजपूत का कहना है कि जो महिलाएं हेलमेट नहीं लगा रही हैं और कार में सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रही हैं, उन्हें सचेत किया जा रहा है। साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए गिफ्ट देकर जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न चौराहों तिराहों पे महिलाओं के द्वारा यातायात, महिला पुरुष कर्मियों के द्वारा यातायात व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जिन महिलाओं के द्वारा, महिला चालकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन किया जा रहा है, उन महिला चालकों को गिफ्ट के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, एवं जो पालन नहीं कर रही है, जो उल्लंघन कर रही है नियमों का, उन्हें यातायात जागरूकता पंपलेट दिए जा रहे हैं, जिससे वो आगे यातायात नियमों का पालन कर सके। उन महिलाओं को दिया जाता है गिफ्ट जो पूरी तरीके से पालन कर रही है, हेलमेट लगा रही है, सीट बेल्ट का उपयोग कर रही है, और जो रेड बत्ती ग्रीन बत्ती है तो उसमें प्रॉपर ये व्हाइट लाइन है जो जहां पर रुकना चाहिए, स्टॉप की लाइन है, वहां रुक रही है, तो उन लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है, कैलेंडर दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कैलेंडर है पुलिस के द्वारा, ये कैलेंडर है जो दिया जा रहा है सबको गिफ्ट के तौर पर, और ये फ्लैग पैंट है। तो इसमें सारे ट्रैफिक रूल्स और नियम दिए गए हैं जिसमें बताया गया है सबको पढ़ने के लिए यही दिया जा रहा है। जो हेलमेट नहीं लगा रहा है उनको भी, और जो लगा रहा है उनको ये कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं लगाते हैं उनके